नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जनाई। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों के साथ। गुजरात पुलिस के खाकी वर्दी पर दाग लगाने वाले भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी के ऊपर अब कब कार्रवाई होगी? फिर से एक बार सूरत के एक पुलिस की हैवानियत सामने आई है। बात करें तो सूरत के खटोदरा पुलिस स्टेशन के नीतीश देसाई सेकंड पीआई और खटोदरा धारा पुलिस स्टेशन स्टाफ के राजपूत पीएसआई और योगेश नामक कांस्टेबल तीन चार पुलिस कर्मियों ने गोल्डन टी स्टॉल जो कि सोहम सर्कल के पास आई हुई है वहां पर ये चाय वाला अपना जीवन निर्वाह करने के लिए चाय बेचता है, जिस पर हम पहले भी कुछ पुलिस वालों ने पैसे के लेन देन की कोशिश की थी और उसके बाद जब ये व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचकर उनके खिलाफ कंप्लेन करने गया तब भी मामला रफा दफा कर माफी मांग छोड़ देने की बात कही गई थी, मगर फिर भी खटोदरा पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मी सुधर नहीं रहे हैं। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में फिलहाल कुछ दिनों खटोदरा पुलिस स्टेशन में पहले एक व्यक्ति की पीट पीट कर इन्होंने हत्या कर दी थी। इससे भी एक पुलिसकर्मी शामिल था जिसके 6 महीने के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से वो अपने लालबाग से फिर से उसी जगह पर नौकरी करने के लिए आ गए। ये मामला बहुत ही गंभीर है और घटना तारीख 12 नवंबर 2019 की बताई जा रही है। समय 10:22 पर है जहां गुजरात की खाकी वर्दी पर दाग लगाने वाले इन कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग पीड़िता ने की है और अगर न्याय न मिलने पर कोर्ट के शरण में जाने की बात भी कही है। बात पीड़ित परिवार कर रहा है। खबरों में बने रहने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान की आवाज़।